साथ होने के आप लोगों का मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा, जो वादे करता है वो कभी पूरे नहीं करता। हाँ जी बिल्कुल। सुरेश सिंह जी से बात करना चाहूंगा दो बातें, जो आने वाले सरपंच के इलेक्शन लड़ेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं सभी आप? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, सुरेश सिंह जी से बात करना चाहूंगा दो बातें, जो आने वाले सरपंच के इलेक्शन लड़ेंगे। तो सुरेश भैया जी, सबसे पहले आपको राम राम। राम राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी हमें मतलब इस अपने चैनल में लाने के लिए। सबसे पहले तो मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि राहुल जी के जो चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आगे राहुल जी, बाकी एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे जी। पहले तो आपकी दाढ़ी वगैरह थी तो बहुत ही ज़्यादा मतलब वो दिखते थे, आज मतलब ये दाढ़ी काटने का कुछ कारण बता दीजिए। कारण एक्चुअली हमारे मेरे ग्रैंडफादर साहब की डेथ हो गई। ओहो सॉरी। उसकी वजह से ये हमारे वहाँ पे भी होती है कि बाल वगैरह दाढ़ी वगैरह काटनी पड़ती है। तो कोई बात नहीं, चलो अपनी खेती है, बार बार बन जाएगी है। तो अभी आप आने वाले जो सरपंच के लिए मैंने सुना कि इलेक्शन लड़ रहे हो, तो जो हमारी पब्लिक है, जितने भी व्यूवर्स हैं हमारे जो अपने गांव के बंदे हैं इस वीडियो को देखेंगे, इनसे इनसे आप क्या कहना चाहोगे? इनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखो, आप नेता वो चुने हैं कि जो काम करें। ज़रूरी नहीं कि कई लोग हमारे गांव में लोग क्या करते हैं, गांव छोड़ के डिस्ट्रिक्ट में कहीं पे भी आप इलेक्शन में क्या होता है कि ये मेरी मासी का लड़का खड़ा हो गया, ये मेरी चाची का, मैं उसको सपोर्ट करूंगा। वो चीज़ को रिलेशन को देख के कभी भी सपोर्ट नहीं करनी चाहिए। सपोर्ट एक स्पोर्ट्समैन को करनी चाहिए कि जो इंसान काम करे गाँव के लिए। तो रही, अगर युवा का साथ रहेगा तो आगे आने वाले टाइम पर हम अच्छा काम करेंगे। साथ होने चाहिए आप लोगों का, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं ये करूँगा मैं वो करूँगा, जो वादे करता है वो कभी पूरे नहीं करता। हाँ जी बिल्कुल। आने वाले टाइम पे जब हमारी अगर हम जीतते हैं, अगर इलेक्शन में अगर हमारे अंडर में सरपंच जी आती है, तो फिर हम भी बताएंगे कि काम कैसे किया जाता है। जो कि इन्होंने जो बहुत ही अच्छे शब्दों में कहा कि मतलब मैं ये नहीं कहूँगा, झूठे वादे नहीं करूँगा, जो भी होगा प्रेजेंट होगा, सब कुछ होगा ऑन स्पॉट होगा, जो कुछ भी होगा प्रेजेंट ही बात होगी, ये मैं झूठे वादे नहीं करूँगा। इनकी बात ये बहुत अच्छी लगी, तो शुक्रिया सुरेश जी आपसे मिलने के लिए, आपने समय देने के लिए, और धन्यवाद। इसी के साथ ही इस वीडियो को इधर ही एंड करता हूँ। और सुरेश भैया को आने वाले इलेक्शन में जिताएँ और इसकी ज़्यादा ओके बाय।